आज हम थ्री क्लास का टेस्ट देने जा रहे हैं अकेडमी टाइम में के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है आपके सामने रखते हैं। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों को माशाल्लाह जी आपको फार्मूलाज और बहुत सारी बेसिक चीजें आइंस्टाइन एनर्जी मैथ्स इक्वेशन। तो ठीक है जी क्लास में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास जी स्टूडेंट्स आपका मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ। रेडी हैं आप लोग? चलिए ठीक है जी सिलसिला शुरू करते हैं इस बच्चे से। हाँ जी आपको कितने कलमे आते हैं? छह आते हैं माशाल्लाह। सुनाए छठा माशाल्लाह आगाज तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सिट डाउन जी आप बताइए मुझे आपको वावल वर्ड्स आते हैं? बेटा वावल से स्टार्ट होता है जैसे ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो गया अम्ब्रेला यू से। इससे पहले हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं? नहीं कुछ और लगाते हैं। बस अम्ब्रेला से पहले क्या लगेगा? फुल स्टॉप नहीं लगेगा। हाँ जी आप बताएं। एन लगेगा। चलिए कोई बात नहीं आपसे सवाल आसान पूछ लेते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। आप मुझे बताएं कि ये जो रैम लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन है रैम क्या मतलब है इसका? डी एब्रिवेट करें नहीं तो फिर आप बैठे जी क्योंकि हमने बापी की तरफ भी जाना है। रैम का क्या मतलब है? डी एब्रिवेट करें रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके आप बात वेरी गुड भाई। अच्छा जी आगे चलते हैं जी इस बच्चे की तरफ। हाँ जी खाना शाना खाया? चले बताएं समझ आती है टीचर की? अच्छा तो फिर सुनाए मेमोरेबल ट्रिप ये इंग्लिश में आपने पढ़ा है ये मेमोरेबल का मतलब क्या है? यादगार। वेरी गुड भाई बैठिए। अच्छा जी ये नाजरी में आपको दिखाता चलूं कि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं तो यहां से बहुत सारी चीजें कैमरामैन इस तरफ जो आगे दिखाएं इस तरफ से आगे दिखाएं ताकि सबको पता चले कि मैं यहां से कुछ चीजें जो बच्चों से पूछूंगा जैसे हाउ डज द मून शाइन। ठीक है ना तो मैं यहां से पूछूंगा बच्चे से ये इसको इस सिंबल को क्या कहते हैं? हाँ जी आप बताएं इस पंक्चुएशन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। और वेरी गुड ये कब लगाते हैं? जब सवाल खत्म होगा तब। अच्छा जी आप मुझे बताएं कि ना काबले फरामोश दिन तो ये क्या मतलब है? ना काबले फरामोश का मतलब क्या है? ना भूलने वाला। और ना भूलने वाला क्या आप आ रहे हैं जबरदस्त। अब मैं इधर आ जाता हूँ ये थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ मैं जी बेटा तो साथ उधर दिखा रहे ताकि मैं बताता चलूं कि मैं यहाँ से कौन सा क्वेश्चन जनरेट। अब मैं बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगा हूँ। नो शरारती हरू क्या बात जी नो शरारती हरू क्या होते हैं? दाल जाल जाल अरे जे जे हे आपको पता है नो शरारती हरू को नो शरारती हरू क्यों कहते हैं? शरारती क्यों कहते हैं? होते तो नो है ना नाइन होते हैं शरारती क्यों? शरारती बच्चों को हम अलग बताते हैं ना ये किसी के साथ जुड़ के नहीं लगते इसे इन्हें शरारती हरू कहते हैं। चले बैठे वेरी गुड। अच्छा जी अब मैं यहाँ से और क्वेश्चन निकालता हूँ। इन्होंने बड़े जबरदस्त ये देखे जी क्या बात है ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। दो चश्मे हरू बताइए ये दो चश्मे कितने हैं टोटल? दस या बारह चौदह पंद्रह। वेल डन शाबाशी। हाँ जी आपसे पूछते हैं जी क्या नाम है आपका? यहाँ पर लिखा है फॉर ए पिकनिक टू जू। बेटा जू के स्पेलिंग सुनाए मुझे। जू के मानी क्या है? जू गई है कभी आप? जू गई है जी। जू देखा आपने जी? अगर आपने नहीं देखा तो ब्रिलियंट स्कूल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जू मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है वहां पे बैठिए। हाँ जी अब मैं बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करूंगा जैसे कि यहाँ पे पैरट जी बेटा पैरट किस कलर का होता है? पर्पल। पर्पल और इसके अलावा ब्लू कलर का होता है ना रेड का भी होता है ब्लैक कलर का होता है ना? हाँ जी देखा ना मैंने कंफ्यूज किया। अच्छा जी बैठिए ज्यादातर ग्रीन कलर में होते हैं बाकी और भी बहुत सारे कलर है ठीक है श्रीलंकन। अब हम यहाँ पे आते हैं जी और कुछ चीजें पूछते हैं मिसाल के तौर पर जो है ना यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये देखिए जी जैसा मेरे पास एडिशन के क्वेश्चन है ठीक है तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है। चलिए यहाँ से आप आए माने अच्छा जी इधर देखें मैं थोड़ा सा जब चेक भी कर लूं कि ताकि मैं ना जरा थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दूं ठीक है ना इससे क्या होता है
स्टेटमेंट चेंज करें, जरा बच्चा कंफ्यूज होता है। नहीं फोकस करें, और वेरी गुड जी, जबरदस्त, शाबाश भाई, इस बच्चे का आंसर जबरदस्त हो गया। क्लैपिंग होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अब अच्छा यहाँ पर ना हम लोग आ चुके हैं ग्रामर की तरफ, तो इंग्लिश की ग्रामर में चलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि बेटा ये जो ग्रास लेटर्स हैं ये क्या होते हैं? नहीं मालूम, कंफ्यूज हो गया बच्चा, आप बताएंगे? कौन कौन से हैं? ए सी ई, शाबाश, ये टोटल कितने हैं? 14 शाबाश। हाँ जी, आपको नहीं पता, चलो बैठो, इस बच्चे की तरफ आते हैं। लगता बड़ा झगड़ाटू किस्म का बच्चा भाई, बड़ी छोटे छोटे लगवाई हुई है। हाँ जी बताओ, स्काइलेट आते हैं? स्काइलेट, बावल आते हैं? बावल, सुना दो। ए सी ई, हाँ कोशिश कोशिश करो, वो मोटू पतलू कार्टून देखते हो, इतना कोशिश करने वाले भी हार नहीं होती पतलू। हाँ जी बताओ भाई, क्या नाम है आपका? बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर, वाह वाह। अच्छा मुझे बताओ रूट लेटर्स आते हैं कितने हैं ये? 5। कौन कौन से? जी जे पी, क्या हुआ है? ये होते क्या है? ऊपर नीचे वाली चीज। ओ वेरी गुड, बच्चा बढ़ाते हैं, ऐसा डॉक्टर बनेगा ये। हाँ जी इस बच्चे से पूछ। हाँ भाई आप मुझे बताओ ये अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। वाह वाह। वॉवल्स कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। ओ क्या बात, अच्छा आ गया बच्चा। हाँ जी हरूफ है जी आते हैं, सुनाओ कितने हैं? जी उर्दू वाले 37 है, सुनाओ अली बे, अली बे ते 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 से जल्दी जीम चे हे के बाल बाल बाल। वेरी गुड, शाबाश भी, आते हैं जी आते हैं। हाँ जी रीडिंग रीडिंग, वालेकुम सलाम, रीडिंग करनी आती है? रीडिंग करनी आती है। इंग्लिश की भी कर लेते हो? यस। उर्दू की भी कर लेते हो? यस। चल मेरा बेटा पढ़ यहाँ से। National anthem is a national song that exemplifies love and loyalty to one's country. Bob. अरे आप उर्दू पढ़े। कौमी तराने कौमी गीत तो होते हैं जो किसी शख्स की वतन से मोहब्बत और वफादारी का इजहार करते हैं। ये ऐसे लग रहा है बच्चा तकरीरें करने का शौक है, तकरीरें कर लेते हो? नात पढ़ते, नात पढ़ते नहीं, लेसन बड़ा जज्बातियों में सुना रहा, बैठो। हाँ जी आप बताएं जी, क्या बात है, परेशान है? खाना नहीं खाया? खाया? अच्छा बताएं मेरे, मेमोरेबल ट्रिप आपने पढ़ा था तो वहां लिखा वेयर डिड द मेमोरेबल एंड, वेयर का मतलब क्या है? वेयर, हाँ क्या मतलब है इसका उर्दू में? नहीं सवाल चेंज करूं, एलिफेंट देखा जिंदगी में कभी, कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक, अच्छा। और वो क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीकॉक्स डूइंग? पीकॉक पैरी। ओके क्या बात है, आए नहीं आए, आपको पांचवा कलमा आता है? सुनाए क्या बात, शाबाश बढ़िए। हकूकली बात की तारीफ करें, हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हक, क्या बात है, शाबाश शाबाश। हाँ जी इसका ख्याल भी रखना है गूगली बात का। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ निकाल दो, बाकी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। हाँ जी आप बताएंगे, आप मुझे बताएं मानी का मतलब क्या है? हाँ। शाबाश। बहाली का मतलब? मलबे का मतलब? टूटे मकान। अच्छा ग्रास का मतलब क्या है? घास। आप बताएं। हाँ जी आप मुझे ये बताएं हाउ डज द मून शाइन, आंसर इंग्लिश में? द मून ए डी, द मून डज नॉट हैव, द मून हैव। अच्छा यही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या चांद की अपनी रोशनी है? नहीं है बच्चे, ये बता दूं मैं आपको, चांद की अपनी रोशनी होती, चांद सूरज से लेता है रोशनी, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। अच्छा जी आप बताएं मुझे स्टैंड अप। हाँ जी आपको सारी चीजें आती हैं, डेली आते हो, छुट्टी करते हो कि नहीं, एडिशन के क्वेश्चन आते हैं? वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मंकी है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता, मंकी नहीं देखा कभी? अच्छा बैठो, बंदर कहते हैं।
हाँ जी आप बताएं मुझे कि ये जो लाइन है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? शेर। और डियर को? डियर हिरन, हिरन। अच्छा अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोग आजकल लेसन पढ़ रहे हैं तो इसमें जो वो आपको डायरेक्शन आती है मशरिक मगरिब शिमाल जनूब का, पता है? नहीं पता। ये इधर मशरिक, इधर मगरिब, इधर शिमाल, इधर जनूब, ठीक है? ये सिमटे भी आनी चाहिए। हफ्ते के दिनों के नाम आते हैं, सुनाओ। संडे मंडे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और क्या बात, हाँ जी महीनों के नाम सुनाए। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च मार्च, बैठो तैयार करो। हाँ जी आप सुनाए, आप मुझे बताएं रंगों के नाम। रंगों के नाम? हाँ रंगों के नाम सुनाओ। येलो ब्लू। ओहो क्या बात है। हाँ हाँ बॉडी पार्ट सुनाओ भाई, पहले पश्तो में गिनती सुनाओ। वन टू देखा जी, ये हमारे पास खान किस्म के बच्चे भी हैं, तो माशाल्लाह इधर हो जाए, इस तरह से दिखाए मुझे, एंड पे चले जाए। ये रहा जी हमारा थ्री क्लास का टेस्ट, माशाल्लाह बच्चों ने जो है वो बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन दी है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है। ये थ्री क्लास के बच्चों को रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए। इवन की मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं इनसे ग्रामर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सिंगुलर प्लूरल मैस्कुलिन फेमिनिन, नाउन प्रोनाउन, इसम, फेल, हरफ, ये चीजें सुनूंगा। ये पहला टेस्ट था, मैंने कहा जरा बच्चे कंफ्यूज रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप भी बाय बाय कर दो, बाय कर दो।